देश में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एक बार फिर देश में पूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पूर्ण लॉकडाउन को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा नुकसान बताया है। नेशनल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन के छठे राष्ट्रीय कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन ने कहा कि देश में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाना चाहिए, बशर्ते हमें लोगों के जान के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था की भी रक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन उत्पादन कंपनियों को बड़े पैमाने पर अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। चंद्रशेखरन ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने देश की समस्या को उजागर किया है, जिसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम नई तकनीक की मदद से उत्पादकों और उपभोक्ताओं को आपस में जोड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। अगले 10 वर्षों की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व व्यवसाय में तकनीकी रूप से बड़ा बदलाव आने वाला है। वही इस बात पर मजदूर नेता व इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने श्री चंद्रशेखर के बयान का स्वागत करते हुए कहा, यदि लॉकडाउन लग जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ग्रुप चेयरमैन का जो बयान है वो बिल्कुल सही है, गलत कुछ इसमें भी नहीं है। ये तो बहुत सहज बात है और आम बात है कि अगर लॉकडाउन लग जाता है तो अर्थव्यवस्था तो चरमरा जाती ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और संभवतः इसीलिए देश के प्रधानमंत्री या राज्य के जो मुख्यमंत्री लोग हैं कुछ राज्यों को छोड़ करके लॉकडाउन के पक्ष में लोग नहीं हैं। जो भी मीटिंग होती है सभी पार्टियों के सर्वदलीय मीटिंग उनकी होती है, उसमें लोगों की अलग अलग राय होने का बुनियादी कारण ये भी है। लेकिन अब दो सिचुएशन एक साथ चल रहा है, एक तो मुश्किल दौर से चल रहा है जो कोरोना पर काबू नहीं पा रहे हैं देश के लोग, राज्य सरकार न देश की सरकार, और उधर जान जा रही है लोगों की। तो एक तरफ जीवन रक्षा की बात है, दूसरी तरफ इकोनॉमी की बात है। ये सच है कि कोशिश यही पहले करना चाहिए कि दोनों पैरेलल चले, इकोनॉमी भी चलती रहे, मजदूर भी खाने बिना ना मिले, उसका रोजगार ना जाए, और साथ साथ वैसे सारे स्टेप्स लिए जाए, वैसे सारे कार्य किए जाए ताकि ये कोरोना को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देश का सबसे बड़ा धन तो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, मानव ही तो हमारा सबसे बड़ा धन है अपने देश का। तो अगर वे ही नहीं रहेंगे तो फिर ये किस काम करा जाएगा हमारा इकोनॉमी और ये सब पैसे रुपये। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो होनी चाहिए मानव धन ही, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर पहली प्राथमिकता होनी चाहिए पूरी दुनिया की या देश की या राज्यों सरकार की। लेकिन ग्रुप चेयरमैन ने जो कहा है वो बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर लॉकडाउन हो जाता है और इंडस्ट्री उद्योग धंधे दुकान सभी चीज़ें अगर बंद हो जाती हैं देश की तो खाने बिना भी लोग मर जाएंगे। राकेश्वर पांडे ने केंद्र व राज्य सरकार से विनती करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस बीमारी पर काबू पाने की सोचनी चाहिए, अन्यथा यह महामारी जिस तरह से फैल रही है इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लास्ट टाइम जो हुआ था उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था और लोग 2000 किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों तक पहुंचे थे, कितने लोग रास्ते में मर गए थे, तो उसको तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देख चुका है। तो हम लोग एक्चुअली इस बयान का समर्थन ही करते हैं, हम लोग इस पक्ष में हैं, लेकिन इतना ही आग्रह है देश की सरकार से और राज्य की सरकारों से और ग्रुप चेयरमैन से जो होगा इसमें सहयोग हो सकता है कि जल्द से जल्द इसको पहले कंट्रोल किया जाए, काबू में लाया जाए इसको, अन्यथा ये महामारी जिस कदर बढ़ रही है ऐसे तो पता नहीं कितने लोग मरेंगे। हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है, शमशान घाट पर जलाने का जगह नहीं मिल रहा है, आखिर कैसे इंसान रहेगा। तो ये दोनों इसका इम्पोर्टेंट पहलू है, एक ये है कि जो उन्होंने कहा है ये स्वागत योग्य है, दोनों चीज़ें चलनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों में प्राथमिकता अगर चुनना हो, किसी में फर्स्ट प्रायोरिटी की बात हो, तो पहले ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, मानव संसाधन की रक्षा करनी चाहिए देश को। वहीं उन्होंने कहा कि पहले से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि सेकंड वेव कोरोना वायरस की आ सकती है, जिसकी तैयारी के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय थे, लेकिन सरकार सो रही थी, जिसके कारण आज हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लग रहा था कि जब थोड़ा सा डाउन हुआ था संख्या तो सरकार सब सो गई, लोग भी सो गए, बिल्कुल निश्चिंत हो गए, समझे कि अब तो आने वाला नहीं है, खत्म हो रहा है। वैसा हुआ नहीं, होना ये चाहिए था कि इस तरह के आपातकाल के लिए संसाधन को तैयार कर लेना था हम लोगों को और देश को रेडी हो जाना था कि अगर ये दोबारा आता है। कई बार संभावना तो व्यक्त की जा रही थी, उस जमाने में लोग बोल रहे थे सेकेंड वेव आ सकता है। जब इतना आप गेस कर सकते हैं कि सेकेंड वेव आ सकता है तो उसकी तैयारी क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आपको अभी काफ़ी समय मिला था, तभी हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए था, हमारे पास हॉस्पिटल और बेड की कमी नहीं होना चाहिए था, ये सब चीज़ तो करना चाहिए था। ऐसे तो हम लोग नहीं किए, कोई बाहर का देश तो नहीं आकर करेगा। तो जितनी पूरी तैयारियां की जानी चाहिए थी देश में और राज्यों में सरकारों के द्वारा, वो नहीं किया गया है, जिसका परिणाम हम लोग भोग रहे हैं।
इंटर के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार द्वारा एक सप्ताह के लगाए गए लॉकडाउन की प्रशंसा की, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता से अपील की कि वह अपने घरों में रहे, लगातार मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और अपने साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखें। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल चुनाव में जो हुआ वह गलत हुआ। केंद्र सरकार दो तरह की बात करती है, जिस राज्य में चुनाव है वहाँ अलग नियम है और जिस राज्य में चुनाव नहीं है उस राज्य के लिए अलग नजरिए है। ठीक डिसीजन है, बढ़िया डिसीजन है, बहुत उपयुक्त और बैलेंस डिसीजन है और ऐसे ही निर्णय होने चाहिए कि ये उद्योग धंधे चलते रहें, क्योंकि बहुत सारी लोगों की रोजी और जीविका उसमें चलती है। हम आम जनता से भी कहेंगे कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस भयावह स्थिति को देखते हुए, इस हालात में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो मास्क अपना इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और प्रिकॉशन लें हमेशा। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि नुकसान तो उनका व्यक्तिगत होगा और उनका जैसे किसी दूसरे साथी का हो जाएगा। अगर हम लोग अपने आप को सुरक्षित कर लें, अपने अगर हम लोग इंडिविजुअल लेवल में टेक केयर कर लेते हैं, पूरी फैमिली का रक्षा कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी को रक्षा कर रहे हैं। चुनाव को भी रोक देना चाहिए था। भारत में ऐसी व्यवस्था है, चुनाव में क्या होता है, तरीका यह है कि चुनाव अगर टाइमली नहीं होता है तो राजनीति शासन लागू, पूरा व्यवस्था बिगड़ रहा है, पूरा ही अर्थव्यवस्था बिगड़ रहा है। लेकिन अब सरकार में बैठे हुए लोग एक तरफ बोलते हैं कि चुनाव चल रहा है, उन्हीं के लीडरशिप में वही लोग स्पीच दे रहे हैं, दूसरी तरफ राज्यों में बोल रहे हैं आप कड़ाई बरतने के लिए, और आप खुद एक लीडर के रूप में वहाँ इन्वॉल्व भाषण दे रहे हैं लाखों लोगों के बीच में, इसका क्या जवाब है? ये तो मैंने अपना आप लोगों के बीच में उनका असली चेहरा दिखाई दे रहा है। आप क्या लोगों को संदेश दीजिएगा, क्या लोग आपकी बात को सुनेंगे जब आप खुद मास मीटिंग वहाँ करते हैं, खुद आपकी रैलियों में लाखों लोग वहाँ आते हैं, आपकी रैलियों में भी लोग मास्क इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से रैलियों में पालन होगा? आपकी जो मास मीटिंग होती है, रैलियाँ निकलती हैं, वहाँ कैसे पालन हो सकता है, कौन कर रहा है पालन वहाँ पर? तो आप खुद ही वहाँ पर लीडर के रूप में वर्तमान रहते हैं और दूसरे को बोलते हैं केयर लेने के लिए, तो ये तो आदमी के चेहरे पर उंगलियाँ उड़ती हैं। दूसरे दो तरह का चेहरा दिखाई देता है कि आप बंगाल में कुछ और बोलते हैं, आसाम में कुछ और बोलते हैं, केरल में कुछ और बोलते हैं, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहाँ के लिए अलग आपका स्टैंडर्ड है, ये तो डबल स्टैंडर्ड की बात है। बहरहाल देखना है कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए एक सप्ताह के लॉकडाउन का इकोनॉमी और कोरोना की बढ़ते केस पर क्या असर होता है और राज्य सरकार अब इसके आगे क्या निर्णय लेती है। जमशेदपुर से अवेकन टुडे न्यूज़ ब्यूरो।